पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पराग पारिक की बात करें तो इंडिया के अंदर टॉप इन्वेस्टर से लेके रिटेल इन्वेस्टर का पसंदीदा म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड के अंदर आप निवेश करेंगे, अगर आपके पास पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो ऑलरेडी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की डिटेल्स के बारे में। तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में आपका जो आइडिया है वो क्लियर हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड जो ओवरसीज के अंदर यानी कि आउट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करते हैं वहां पे $7 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये RBI के रूल्स के द्वारा कहा गया है। जितना भी म्यूचुअल फंड ओवरसीज के अंदर निवेश करते थे तो जनवरी 2022 में सेबी के द्वारा एक मेल भेजा गया कि 1 फरवरी से आप आउट ऑफ इंडिया जो इन्वेस्टमेंट है वो 7 बिलियन की ऊपर चला जाता है तो आप नया निवेश नहीं कर पाएंगे। पराग पारिक एक फ्लेक्सी कैप होने के कारण इसके ऊपर ज्यादा कोई रूल्स लागू नहीं होता, वो कभी भी कहीं पे भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये $7 बिलियन का जो रेशियो है उसको मानना ही पड़ता था। स्पेशली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप मार्केट को भी बीट करते हुए बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी दे रहा था। और ये मेल आने के बाद यहाँ पे पराग पारिक ने क्या डिसीजन लिया, जो नया SIP है और नया लमसम है वो कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया था। लेकिन फिर से 15 मार्च के बाद पराग पारिक ने कहा है कि जितना भी नया निवेश फिर से आएगा या लमसम आएगा वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर निवेश कर सकते हैं, तो फिर से ये चालू कर दिया, लेकिन जो पैसा आएगा वो जस्ट इंडियन मार्केट के अंदर वो निवेश करेगा। लेकिन आप पराग पारिक का रिसेंट कंडीशन देखते हैं तो ये ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे ये पहुंच गया है। तो आपको क्या लगता है, अभी भी इसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं या नहीं? तो इसके अंदर हम लोग वो भी जानेंगे कि क्यों ये पर्टिकुलर NAV इतना नीचे क्यों गिर रहा है पराग पारिक के अंदर। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि पराग पारिक एक फ्लेक्सी कैप होने के कारण इसके ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लागू होता है, अक्रॉस द मार्केट ये निवेश कर सकते हैं। अगर आप पराग पारिक का पुराना रिकॉर्ड देखते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड 65-70% निवेश करते हैं और बाकी जो 30-35% निवेश है वो ओवरसीज के अंदर करता था, लेकिन अभी जितना भी पैसा आएगा वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही इसको निवेश करना पड़ेगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप पराग पारिक म्यूचुअल फंड का रिटर्न की बात करें तो पिछले 6 महीने में करीब 13% गिरावट ये पर्टिकुलर फंड ने दिखाया है। उसके बावजूद भी सिंस इंस्पेक्शन आप देखते हैं तो 352% का रिटर्न और पिछले 5 सालों में 125% का रिटर्न इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे दिए है। कंपनी के अंदर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक यहाँ पे दिखाई देगा 26, तो पराग पारिक म्यूचुअल फंड जस्ट 26 स्टॉक के अंदर अपना पैसा यहाँ पे निवेश करके रखे हैं। लास्ट कैप के अंदर कितना है 50.82%, मिड कैप के अंदर 2.88% एंड स्मॉल कैप के अंदर 11.73% इन्वेस्टमेंट है और अदर्स के अंदर यहाँ पे 26.94%, जहाँ पे ये आपका डेप्ट में भी निवेश कर सकते हैं, कोई भी बॉन्ड के थ्रू निवेश भी कर सकते हैं। और कंपनी का इक्विटी होल्डिंग आप देखते हैं तो 66.43% आपको देखने को मिलेगा। अगर आप टॉप पिक की बात करें तो यहाँ पे ITC लिमिटेड यहाँ पे 8.8% पैसा यहाँ पे ITC लिमिटेड के अंदर ही यहाँ पे निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बजाज होल्डिंग यहाँ पे 8.14%, आउट ऑफ इंडिया जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है जो फॉरेन इक्विटी है वो अल्फाबेट के अंदर जो गूगल से आप जानते हैं तो 7.43%, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 7.20% एंड अमेजोन के अंदर 6.46% का होल्डिंग कंपनी यहाँ पे रखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ओवरसीज के अंदर जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उसके अंदर ये पैसा लगा के रखे है। और ये जो गिरावट आप देख रहे हैं सिंस 6 महीने से कंपनी यहाँ पे 13% का जो गिरावट म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे दिखाया है, उसके पीछे का रीजन है जो अल्फाबेट है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, ये बड़े बड़े जो कंपनी है जहाँ पे बहुत सारा पैसा पराग पारिक लगा के रखा है वहाँ पे रिसेंट कंडीशन में भयंकर गिरावट आपने देखे होंगे। ये आप चार्ट देख पा रहे हैं गूगल का, जहाँ पे देख पा रहे हैं पिछले 3-4 महीने में कंपनी के अंदर गिरावट आप देख पा रहे हैं। अगर आप अमेजोन की बात करें, अमेजोन के अंदर भी यहाँ पे पिछले 3 महीने से भयंकर गिरावट आप लोगों ने देखे होंगे। इसी कुछ कारण के चलते कंपनी का जो NAV है वो लगातार गिरते हुए आपको दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो निवेश किया है फॉरेन इक्विटी के अंदर टॉप 3 जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ITC बजाज के बाद जो टॉप 3 फॉरेन इक्विटी है करीब करीब यहाँ पे 21% के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे भयंकर गिरावट दिखाई दे रहा है, तो इसी कारण ये पर्टिकुलर
म्यूचुअल फंड के अंदर ये गिरावट आप देख पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि गूगल फ्यूचर में अच्छा करेगा, माइक्रोसॉफ्ट अच्छा करेगा, अमेज़न भी यहाँ पे अच्छा करेगा, तो आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो कोई चिंता करने का विषय यहाँ पे नहीं है। तो अगर अगर आपके पास ये पराग परिक म्यूचुअल फंड है तो आपको सेल नहीं करना चाहिए, आपका जो SIP है उसको कंटिन्यू करना चाहिए फ्यूचर में बेहतरीन रिजल्ट के लिए। और पराग परिक म्यूचुअल फंड ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के हिसाब से जाना जाते हैं। तो अभी जो नया जितना भी पैसा आएगा पराग परिक के अंदर, वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही निवेश करते हुए आपको दिखाई देगा। तो अभी रिसेंट कंडीशन में कंपनी का जो AUM है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, इतना पैसा जो मेंटेन कर रहे हैं वो है 21,768 करोड़। अगर आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को एक साल के अंदर सेल कर देते हैं तो 10% के ऊपर कोई भी एग्जिट लोड आपको नहीं लगेगा, लेकिन बाकी बचे हुए पैसे में 2% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। अगर एक साल बाद आप सेल करते हैं तो यहाँ पे 10% के ऊपर कोई भी आपका एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन बाकी के ऊपर 1% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। अगर आप 2 साल के बाद इसको सेल करते हैं तो कोई भी आपको एग्जिट लोड देना नहीं पड़ेगा। एग्जिट लोड यानी कि आप जब सेल करते हैं तो आप एक परसेंटेज उस पर्टिकुलर फंड को देना पड़ता है। ये जो ओवरसीज का लिमिट है वो $7 बिलियन अभी रिसेंट कंडीशन में है, लेकिन फ्यूचर में इसको RBI बढ़ाने वाला है। अभी रिसेंट कंडीशन देखते हैं तो जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसके कारण और कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के कारण ये जो लिमिटेशन है उसको बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये सब सॉल्व हो जाएगा तो ये जो लिमिट है वो इंक्रीज करेगा, तो फिर से पराग परिक आउट ऑफ इंडिया यानी कि ओवरसीज के अंदर निवेश कर पाएगा। तो अगर आप सोच रहे कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड के अंदर आप निवेश करेंगे तो पराग परिक आपका पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया एक म्यूचुअल फंड है। रिसेंट कंडीशन में जहां पे ओवरसीज का शेयर गिरावट दिखाई दे रही है, इसीलिए पर्टिकुलर फंड के अंदर आप गिरावट देख पा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम इसको देंगे तो ये बेहतरीन रिजल्ट आपको देगा। अगर आपके पास ये म्यूचुअल फंड ऑलरेडी है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं और कंटिन्यू कीजिए SIP। इसके अंदर SIP आपको बंद नहीं करना चाहिए, आप कंटिन्यू SIP करते हैं तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देगा, वो भी बहुत जल्दी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।